नगर निगम धनवापुर में 50 एमएलडी क्षमता वाला एसटीपी बनाने जा रहा है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। निगम ने 1.5 साल में योजना को साकार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मौजूदा समय में धनवापुर में नगर निगम का 30 एमएलडी क्षमता वाला एसटीपी है। यहां पर 40 एमएलडी से अधिक सीवरेज डिस्चार्ज हो रहा है। इसी के चलते शहर के लोगों को सीवर ओवरफ्लो जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए निगम ने 50 एमएलडी क्षमता के नए एसटीपी बनाने की योजना बनाई है। इस योजना के शुरू होते ही सीवरेज से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। ग्रोथ की वजह से हमारे ओल्ड टाउनशिप के लिए जो एसटीपी एग्जिस्टिंग है जो वो 30 एमएलडी कैपेसिटी का है उसके अगेंस्ट 40 से 43 एमएलडी के करीब सीवेज पहुंच रहा है, जिसकी वजह से ये आवश्यकता महसूस हुई कि भाई हम उसको अपग्रेड करें, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएं। उसके तहत हमने एक डीपीआर बनाया और सरकार द्वारा वो पास करवाया और उसके टेंडर्स कॉल कर दिए गए हैं और उसकी कैपेसिटी अब बढ़कर 50 एमएलडी कैपेसिटी का नया एसटीपी बना रहे हैं। नए एसटीपी निर्माण में करीब 63 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निगम के अधिकारी करीब 1.5 साल में योजना को अमली जामा पहनाने का दावा कर रहे हैं। इस योजना को एनजीटी और प्रदूषण विभाग से क्लियरेंस मिल चुकी है। साथ ही एसटीपी में सीवरेज की गंदगी को रिसाइकल करके उससे निकलने वाले पानी का सिंचाई धुलाई निर्माण कार्य में उपयोग किया जाएगा। जहाँ तक एक्सपेंडिचर का सवाल है, इसकी के ऊपर लागत लगभग 63 करोड़ रुपए आएगी और जो समय है वो 1.5 साल में ये पूरा हो जाएगा। नया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने के बाद गुड़गांव में सीवरेज की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा और साथ ही नया एसटीपी बनने के बाद नगर निगम 30 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी का रिनोवेशन करेगा। इसके लिए नगर निगम ने रिनोवेशन का एस्टीमेट बनाने का काम शुरू कर दिया है। गुड़गांव से योगेंद्र भदौरिया, इंडिया न्यूज, हरियाणा।